बोल के लब आजाद है तेरे, बोल जबां अब तक तेरी है, बोल के सच जिंदा है अब तक, बोल जो कुछ कहने हैं कह ले। फैज अहमद फैज की इन पंक्तियों में अभिव्यक्ति की आजादी का हर मायना समाया हुआ है। पुणे के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के छात्र नुक्कड़ नाटक के जरिए अभिव्यक्ति के अपने इसी हक की आवाज उठा रहे हैं। मैंने इस कला को इसलिए चुना है कि मुझे शायद मैं भावनाओं को अभिव्यक्त अच्छे से कर पाता, इसलिए मैंने रंगमंच के क्षेत्र को चुना है। दरअसल बीते दिनों सामाजिक कार्यकर्ता नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के बाद पुणे में एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया था। मकसद था अंधविश्वास और अंधश्रद्धा के खिलाफ लोगों को जागरूक करना, लेकिन इसके विरोध में कुछ लोग छात्रों के साथ मारपीट पर उतर आए। लेकिन FTII के ये छात्र अब इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला बता रहे हैं। समाज के आम इंसान से हम लोग इंटरैक्ट हो सके इस बहाने से, और कहीं ना कहीं हर एक इंसान के अंदर ये जाग जाए कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, आई मस्ट सेव माई कंट्री। और इस थॉट को आगे ले जाकर हम लोग एक स्ट्रीट प्ले, एक गाना और एक शानदार रैली के रूप में इसको हम प्रकट करेंगे। चोट जब आज़ादी पर हुई हो तो उसका जवाब भी उसी भाषा में दिया जा रहा है। पुणे से लेकर दिल्ली तक छात्र पोस्टरों, नाटकों और कविताओं जैसी विधाओं से जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। दाभोलकर जी की जो हत्या हुई है, वो हत्या एक्चुअल में दाभोलकर जी की हत्या नहीं है, वो एक हमारी प्रगतिशील परंपरा, हमारी प्रगतिशील विचारधारा की हत्या है। जाहिर है नरेंद्र दाभोलकर की हत्या के बाद देश के कई हिस्सों में युवाओं का गुस्सा एक सामाजिक आंदोलन का आकार ले रहा है। नरेंद्र दाभोलकर की हत्या ने समाज में अंधविश्वास के नाम पर एक बड़ी बहस जरूर छेड़ दी है, लेकिन उनकी मौत ने समाज में युवाओं के एक बड़े तबके को इतना हौसला जरूर दे दिया है कि समाज से आकर वो अब सीधे पूछ रहे हैं कि फांसीवादी ताकतों के आगे अभिव्यक्ति की आज़ादी आखिर कब तक दम तोड़ती रहेगी। कैमरामैन स्मृति के साथ मैं दीपक डोभाल, राज्यसभा TV, पुणे।